Welcome to my channel Biological World. In this video, we will discuss structure of air of rock. So let's structure of air. आज हम इस वीडियो में फ्रॉग के एयर का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि एयर कैसे वर्क करता है, कैसे साउंड वेव्स को ब्रेन रिसीव करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि एयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन पार्ट्स विच आर टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, इंटरनल एयर, टाइम्पैनिक कैविटी, कॉल्यूमेला, यूरेस, स्टेप्स। तो एयर जो है वो कंसिस्ट होता है कुछ मेन पार्ट्स पर, जैसे कि हमने देखा टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, इंटरनल एयर, टाइम्पैनिक कैविटी, कॉल्यूमेला, यूरेस, स्टेप्स। तो अब हम वन बाय वन इन मेन पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। फ्रॉग में पिन्ना जो है वो एब्सेंट होता है। पिन्ना क्या होता है? पिन्ना एक्सटर्नल एयर को कहते हैं जो कि फ्रॉग में एब्सेंट होता है। फ्रॉग में टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो कि साउंड वेव्स को डिटेक्ट करती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एयर। फ्रॉग में जो एयर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके बाद इंटरनल एयर। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स विद अ फ्लूट। सेंसरी सेल्स आर लोकेटेड एट स्पेशल प्लेसेस इन दीज कैनाल्स। इंटरनल एयर जो होता है वो कंसिस्ट होता है थ्री सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स पर जिनमें फ्लूट भी प्रेजेंट होता है। सेंसरी सेल्स भी इन कैनाल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी सेल्स जो के साउंड वेव्स को सेंस करते हैं, जैसे कि इस फिगर में। ये क्या है? ये फ्रॉग की एयर का स्ट्रक्चर है जिसमें जो आउटर पार्ट होता है एयर का वो होती है टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आते हैं इंटरनल एयर। इंटरनल एयर जो है वो कंसिस्ट होता है थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स पर। उन कैनाल्स में फ्लूड भी प्रेजेंट होता है। इंटरनल एयर में सेंसरी सेल्स भी लोकेट होते हैं स्पेशल प्लेसेस पर। अब इंटरनल एयर के बाद टाइम्पैनिक कैविटी। देयर इज़ अ कैविटी on our inner side of tympanic membrane called tympanic cavity. Tympanic membrane के बाद एक cavity होती है जिसको tympanic cavity कहते हैं। Tympanic membrane के बाद क्या होती है? Tympanic cavity। फिर टाइम्पैनिक कैविटी के बाद कॉल्यूमेला, यूरेस, स्टेप्स। द कैविटी कंटेन्स रॉड लाइक स्मॉल बोन नॉन एज द कॉल्यूमेला स्टेप्स। ये जो कैविटी होती है इस पर एक स्मॉल बोन होती है जिसे कॉल्यूमेला यूरेस यानी कि स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, तो जो टाइम्पैनिक कैविटी होती है उसमें थ्री स्मॉल बोन्स होती हैं जिन्हें ऑसिकल्स कहते हैं। उनमें से एक कॉल्यूमेला यूरेस स्टेप्स भी है। तो ये जो कॉल्यूमेला यूरेस स्टेप्स है ये कहाँ होती है? ये टाइम्पैनिक कैविटी में होती है, रॉड लाइक शेप की, जैसे कि हमें इस डायग्राम में नज़र आ रही है।
तो ये थे मेन पार्ट्स एयर के। अब हम देख लेते हैं कि एयर कैसे वर्किंग करता है। वर्किंग ऑफ द एयर, व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक द टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन इट इज सेट इनटू वाइब्रेशन। दिस इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द स्टेप्स एंड द इंटरनल एयर। इन दिस वे साउंड वेव्स स्टिम्युलेट्स हियरिंग रिसेप्टर इन द इंटरनल एयर। द इंटरनल एयर ऑल्सो कीप्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर हमारे पास है टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि एक्सटर्नल पार्ट होती है एयर की, ठीक है। स्टेप्स होती है जो कि प्रेजेंट होती है कैविटी में, रॉड लाइक शेप की। ओवल विंडो होती है जिसे कि मिडल एयर भी कहते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। इनर एयर कैविटी होती है। ऑडिटरी नर्व जो कि ब्रेन से एमर्ज होकर एयर से कनेक्ट होती है, जो कि एयर से साउंड वेव्स को ब्रेन तक पहुंचाती है। ऑस्टेशियस ट्यूब होती है और मिडल एयर टाइम्पैनिक कैविटी होती है, ठीक है। तो ये पार्ट्स होते हैं एयर के। तो जब साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन को, तो वो वाइब्रेशन की फॉर्म में इंटरनल एयर को स्ट्राइक करती हैं और फिर सेमी सर्कुलर कैनाल्स में एंटर होती हैं। उन सेमी सर्कुलर कैनाल्स में स्पेशल प्लेसेस पर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि सेंसरी सेल्स होते हैं, जो कि साउंड वेव को ब्रेन तक ऑडिटरी नर्व के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इस तरह साउंड ब्रेन तक पहुंचता है और फिर ब्रेन साउंड को देखता है कि क्या साउंड है। साउंड जो है वो बॉडी के बैलेंस को भी कीप करता है। तो ये था वर्किंग ऑफ द एयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एयर। स्ट्रक्चर ऑफ एयर, एयर जो है वो कंसिस्ट होती है फोर पार्ट्स पर। टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, इंटरनल एयर, टाइम्पैनिक कैविटी, कॉलियोमेला, योरिस, स्टेप्स। टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि आउटर मोस्ट पार्ट होता है एयर का। फिर टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद इंटरनल एयर आती है, जो कि थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स पर कंसिस्ट होती है, जहाँ पर सेंसरी सेल्स भी लोकेट होते हैं। टाइम्पैनिक कैविटी होती है, कॉलियोमेला योरिस स्टेप्स बोन होती है जो कि रॉड लाइक शेप की होती है। कहाँ होती है ये? कैविटी में होती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।